लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तुम्हारे वो हो क्या? वो क्या? वो ना। अच्छा वो वो तो मैं हूँ। ये साले पपलू पपली इधर है, ये लोग कहाँ हैं? सर कितने तुम लोग इधर आए? सॉरी सर, गलती से नींद आ गया सर। वो गन किधर है? बंदूक गन है ना? है मेरे पास, ये लीजिए। ये क्या है? ये वास्को डी गामा की गन है। किसके मामा की गन है? ये वास्को डी गामा की गन है। इससे निशाना लगाने की कोई जरूरत नहीं, नाम लेके फायर कीजिए, ठीक निशाने पे लगता है। यार मेरे को मार डालेंगे। सर एक मिनट, मैं देखता हूँ क्या हो गया। ये क्या हुआ? क्या हो गया? वास्को डी गामा। इसी का नाम जिंदगी है दोस्त। हार जीत, पाना खोना, ये सब तो चलते ही रहता है। अब मैंने तुझे कितना समझाया कि भोपाल वापस लौट जा, यहाँ तेरी दाल नहीं गलने वाली। जरा सोच, तू कहाँ और रवीना कहाँ? अरे ऐसी अमीरजादी के साथ शादी करने के लिए तो सूरत और किस्मत दोनों की जरूरत पड़ती है, और तेरे पास दोनों की कमी है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं जानता हूँ कि जब दिल टूटता है तो उसका असर सीधा दिमाग पर होता है। इसलिए मैं तेरे लिए ये लाया हूँ, गम का साथी रम। आज रात गम गलत करने के लिए इसे पी लेना, लेकिन इसकी आदत मत लगाना, इससे लिवर खराब हो जाता है। ला 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 ला। अमर, मुझे तुमसे बात जरूरी बात करनी है। ऊपर ऊपर, मेरे पास वक्त नहीं, जाओ प्रेम से बात करो। देखो अमर, तुम मुझे गलत समझ रहे हो। देखो मैं नौकरों से बात नहीं करता। टाटा। ला 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 ला। देखो प्रेम, मैं तुमसे एक बात करना चाहती हूँ, मगर उससे हमारे रिश्ते में कोई फर्क नहीं आना चाहिए। रिश्ता? कैसा रिश्ता भाई, अजीब गले पड़ो लड़की हो तुम। देखो जो तुम समझ रहे हो ना, वो मैं नहीं हूँ। मतलब? मैं करिश्मा नहीं हूँ। तो क्या फर्क पड़ता है, तुम करिश्मा नहीं तो जमीला, शकीला, सुनीता, अनीता, पपीता, जो कोई भी हो, मेरी लुटिया तो डूबे गई ना। देखो वो जो रवीना है ना, वो रवीना नहीं है, वो जो है वो मैं हूँ, और मैं जो हूँ वो है। तुम जो हो वो तुम नहीं हो, वो है, वो जो है वो नहीं है, वो तुम हो। तुम जो हो वो तुम नहीं हो, वो जो है वो नहीं है। ओह, मैं जो हूँ मैं हूँ, या मैं भी वो नहीं हूँ जो मैं हूँ, मैं कौन हूँ? बुद्धू, राम गोपाल बजाज की बेटी मैं हूँ, रवीना बजाज, और वो हमारे अकाउंटेंट हरिशंकर की बेटी करिश्मा है। क्या? हाँ, हमने आपस में नाम बदल लिए थे। मैं चाहती थी कि कोई लड़का मेरी दौलत से नहीं, मुझसे प्यार करे, और वो प्यार मैंने तुम्हारी आंखों में देख लिया है प्रेम। सच? सच? इंडिया मुझे कभी पसंद ही नहीं था। मेरे यार दोस्त भी मुझसे यही कहते थे, अमर तू इंडिया के लिए बना ही नहीं है, तुझे तो कहीं और होना चाहिए था। वो तो अच्छा हुआ कि तुम बाहर से आई और तुमने एक झोरी की तरह हीरे को परख लिया, वरना यहाँ के लोग तो बस इंडिया जैसे हैं। आज तक मुझको पहचाना ही नहीं। देखो अमर, मैं इतनी देर से तुमसे ये कहना चाह रही हूँ कि मैं तुम कहना चाह रही हो कि शादी के बाद हमें लंदन में रहना पड़ेगा। अब वो तो रहना ही पड़ेगा, तुम्हारे डैडी जो इतना बड़ा कारोबार मेरे कंधों पर सौंपेंगे, तो उसके लिए तो लंदन में रहना पड़ेगा मुझे। अमर, तुम अपनी खुशियां सब में बांटना चाहती हो। अपनी भी कुछ ऐसी ही आदत है। एक मिनट,
लेडीज एंड जेंटलमैन, योर अटेंशन प्लीज। आज की शाम हमारे नाम, मेरा मतलब है आज का शैंपेन और डिनर आप सबके लिए हमारी तरफ। अमर, तालियां। अमर, अमर मेरी बात तो सुनो। थैंक यू बेटा। ये कैसे होगा ये सब? तुमने देखा कि मैं कैसे तुम्हारी दिल की बात समझ लेता हूँ? बेचारा लगता है सारी पी गया। होता है जब दिल टूटता है तो उसका असर सीधा दिमाग पर होता है। अब क्या करें? समझाया था उसको, बहुत समझाया था कि लौट जा, भोपाल लौट जा, यहां तेरा कुछ नहीं होने वाला। लेकिन नहीं माना। अमर देखो, कुछ नहीं हो सकता, बहुत देर हो गई। अब तो बेचारे की जवानी पागल खाने में कटेगी। अमर तुम कुछ समझते क्यों नहीं? तो समझाओ ना रवीना। मैं रवीना नहीं, करिश्मा हूँ। वो रवीना है रवीना बजाज, राम गोपाल बजाज की इकलौती बेटी, और मैं उनके मुनीम हरिशंकर की बेटी हूँ। ये सब मैंने रवीना के कहने पे किया था। प्रेम, प्रेम पागल नहीं है, वो खुशी के मारे नाच रहा है। अमर, रवीना ने शायद उसे सब सच बता दिया होगा। जो तुम्हें चाहिए था वो प्रेम को मिल गया है। मेरे पास कोई दौलत नहीं है अमर, मेरे पास कुछ नहीं है। कच्चा रास्ते से आया, वरना रोड पे गोगो अपन को पकड़ लेता था। मेरा आइडिया कैसा? क्राइम मास्टर गोगो, कहाँ है तुम्हारा बहुत तेजा? हमें नहीं मालूम। अरे काय को तेजा का नाम से हमको डराता है बार बार? नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा, आंखें निकाल के गोटियां खेलवा, मुझे मेरा पैसा चाहिए। आपका पैसा मिल जाएगा। अरे तेजा का भाई लंदन से हीरे लेकर आ रहा है, हम हीरे बेच देंगे और आपका पैसा दे देंगे। मुझे पैसा नहीं चाहिए। अच्छा, मुझे हीरे चाहिए, हीरे। लंबू उतर 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 उतर, आया हूँ कुछ तो लूट कर जाऊंगा। खानदानी चोर हूँ मैं, खानदानी, मगा मगा भतीजा। गो 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 गो, खुश हुआ सर। लास्ट टाइम स्कूटर लेके गया, ये टाइम को साइकिल ले गया सर। ये नेक्स्ट टाइम मिलेंगे तो अपना तो सर, देखा गोगो के कारनामे, देखा सर। स्मार्ट बॉय, स्टॉप देख लिया, चाय की दुकान देख ली। अरे अरे अरे, कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा मैंने तुझे। क्यों, क्या हुआ? अरे हुआ नहीं, होने वाला है, रोते रोते गई है वो। कौन? रवीना। कौन रवीना? अरे? मतलब वो रवीना जो पहले करिश्मा थी अब रवीना है, या जो पहले रवीना थी अब करिश्मा? मतलब वो जो नौकरानी बनकर आई थी वो रवीना, या जो अपना मालकिन बनकर आई थी वो रवीना? अरे नहीं नहीं, तेरी वाली रवीना। क्या हुआ उसको? कुछ नहीं, रोते रोते गई है वो, कह रही थी खुदकुशी कर लेगी। क्या बात कर रहा है? राधिका कहाँ गई वो? वहाँ। रवीना, रवीना, करिश्मा, करिश्मा। ओ गॉड, ओ नो। क्या हुआ? हा? क्यों चिल्ला रहे हो? क्या हुआ? अरे जान निकल गई मेरी, ये क्या मतलब है इसका? हाँ, क्या मतलब है? ये क्या लिखा तुमने? तो कौन सा झूठ लिखा है मैंने? मरने तो आई थी, यहाँ के देखा तो बहुत ऊंचा है, थोड़ा नीचे से जाके कूदूंगी, दर्द कम होगा। क्या बकवास कर रही हो? हाँ, तुम्हें भला मेरी जिंदगी से क्या लेना देना? कौन सा सच्चा प्यार किया है तुमने मुझसे? देखो रवीना, करिश्मा, यहाँ देखो, मेरी आंखों में देखो, क्या तुम्हें लगता है कि मेरा प्यार झूठा है? देखो, मैं मानता हूं कि मैं आया था नाटक करने, लेकिन तुमसे प्यार करने लगा। तुम जो भी हो, जैसी भी हो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तुम्हारे दोस्त ने मेरी सहेली का दिल दुखाया है, अगर उससे कुछ हो गया तो मैं, उई माँ, तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। लेकिन करिश्मा, करिश्मा नहीं रवीना। हाँ, देखो रवीना,
मेरा दोस्त बातें बहुत करता है लेकिन दिल का बड़ा अच्छा है। वो तुम्हारी सहेली को कभी दुख नहीं देगा। और वो बेचारी जो जान देने गई है उसका क्या होगा? उसका कुछ नहीं। क्या? उई माँ, देखो अमर उस बला का नाम है जो यमराज को भी टोपी बनाकर उसे यहाँ ले आएगा। दोनों आते होंगे हंसते हंसते। कहाँ चले गए थे यार? अरे यार खुदकुशी करने गई थी, ऊपर से। ऊपर से? अब थोड़ा कम ऊंचाई से पकड़ के लाया। अच्छा, देखा करिश्मा मैं क्या बोल रहा था? क्या बोल रहे थे तुम? अरे यार सुबह से ये कंफ्यूजन। हाँ यार बहुत कंफ्यूजन। देखो रवीना मैं तुम्हें देखा। ओफो, ये तो उलझन पे उलझन है। देखो तुम लोगों के नाम जो भी है उससे हमें कोई लेना देना नहीं। हाँ हम लोग जिस नाम से तुमको जानते थे तुम्हारे नाम आज से वही रहेंगे। तुम हमारे लिए रवीना हो और तुम करिश्मा। आप एक बार हमारा प्रेम से मिल तो लीजिए। हमने उन्हें अच्छी तरह परख लिया है। वो लाखों में एक है। वो सिर्फ हैंडसम ही नहीं काबिल और समझदार भी है। स्टॉप, 8 बज गए, मेरा अखबार कहाँ है? नॉनसेंस, सब चीज टाइम टू टाइम होनी चाहिए। स्टार्ट। दादी प्रेम बहुत अच्छा आदमी है और अमर दिल का सच्चा आदमी है। दोनों कमाल के है। अकल से, शक्ल से, दिल से, दिमाग से, आवाज से, अंदाज से। स्टॉप, मेरी चाय कहाँ है? नॉनसेंस, सब चीज टाइम टू टाइम होनी चाहिए। स्टार्ट। जब से मैं आया अमर प्रेम अमर प्रेम अमर प्रेम के बारे में सुन रहा हूँ। मेरे बारे में कोई पूछता ही नहीं। कल शाम 7 बजे बुला लेना। नाउ गो, टाइम फॉर ब्रेकफास्ट। ओके, थैंक यू अंकल। सर शक्कर डालने का टाइम हो गया सर। नॉनसेंस, जो मैं कह रही हूँ ठीक से सुनो वरना ऊपर जाके सब गड़बड़ कर दोगे। अंकल बहुत कम बोलते हैं और सुनते भी कम है। क्या ऊंचा सुनते हैं? अरे बाबा ज्यादा बकबक मत करना। और सुनो डर के चुप्पी मत रहना प्लीज। इसमें डरने की क्या बात? अरे भाई जवान दिलों का मामला है, आपस में प्यार है, शादी का इरादा है। हाँ कहेंगे तो घर में करेंगे शादी, ना कहेंगे तो मंदिर में। क्यों भाई? हाँ मैं भी यही बोलने वाला था। रियली बेबी वेयर्स द रूम? हाथ नीचे। पूरे 3 मिनट लेट हो। 3 मिनट का क्या वैल्यू होता है जानते हो? 3 मिनट में करोड़ों के डील फाइनल होते हैं। शट अप, मैंने तुम्हारे लिए 6 मिनट रखे थे। 3 मिनट तुम्हारे बोलने के, 3 मिनट मेरे बोलने के। तुम अपने 3 मिनट गंवा चुके हो। अब सिर्फ सुनो। शट अप, स्टार्ट। अमर और प्रेम, अमर प्रेम, पावित्र्य और भक्ति रस से भरपूर। नाम सुनके ही मुझे अंदाज आ गया था कि तुम फिल्मी और आवारा किस्म के लड़के हो। बट नाउ तुम तो निकम्मे और निठल्ले भी हो। एंड वेल, शक्ल से तो जाहिल और मूर्ख दिखते ही हो। एंड ऑफ कोर्स अपने आप को अव्वल दर्जे के बेवकूफ साबित कर चुके जब ये सोचकर आए थे कि मैं अपनी बेटियों की शादी के लिए तुम्हें हाँ कह दूंगा। मेरे 3 मिनट अब तक पूरे नहीं हुए। मेरी बेटिया को मैंने बड़े प्यार से पाला है लेकिन मुझे लगता है कि उनके दिमाग का जल्दी से इलाज करना होगा क्योंकि तुम जैसे खच्चरों को पसंद किया है। उंगली मुंह से और तुम कमरे से बाहर। क्या हुआ? होना क्या था? रोक जाने लगे? लंबा चौड़ा भाषण। मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ। मैंने भी कह दिया उनसे कि आप जैसे भी होंगे उसे हमें क्या। अजी देखना आपको चाहिए कि हम कैसे हैं। चुप, बिल्कुल चुप। उनको लगा कि लड़के की बात में दम है। हाँ जो मैंने बोला था वो भी बोल दे। मुझे देख के ऐसे भी जोश आ गया। अच्छा? क्या कहा तूने? बोलना क्या था? चुप करा दिया। उनका एक एक सवाल मेरे दो दो जवाब। एक एक सवाल दो दो जवाब। सवाल एक जवाब दो। सवाल जवाब सवाल जवाब सवाल जवाब। चुप, लंबी खामोशी। देखो मेरे ख्याल में तुम लोग ऐसा कुछ करो कि कम से कम उसकी नजरों में लायक बनो। जैसे 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 मान लो कि राम गोपाल बजाज किसी मुसीबत में फंस जाता है और तुम लोग आके उसे छुड़ा लेते हो। वो साला खुद ही एक मुसीबत है। वो क्या मुसीबत में फंसेगा? साला हिटलर। आइडिया, मान लो कि वो बुड्ढा किडनैप हो जाता है और तुम दोनों अपनी जान पर खेलकर उसको बचा लाते हो। तुम दोनों हो गए ना हीरो। शादी करने का प्लान बता रहे, शहीद होने का प्लान बता रहे तू। हाँ ये तो साला बात जान पे ला रहा है यार। हम लोग जान पे नहीं खेल सकते। क्या किडनैप? किडनैप कौन करेगा? किडनैप हम करेंगे। हम करेंगे किडनैप। हम लोग बदले में 5 लाख रुपए मांगेंगे। तुम लोग आके छुड़ा लेना। बस हो गया काम। वेरी सिंपल। अरे आइया, शादी मुबारक हो यार। सर वो एक नंबर का टाइम पीस आदमी है सर। 7 सेकंड में ये, 12 सेकंड में ये, 15 सेकंड के बाद ये। मैं बोलूं सर राम गोपाल के बदले उसका नाम HMT रखना चाहिए। रॉबर्ट।
आप क्या कर रहे थे सर? तो तुम हो तेजा के आदमी लोग। मैंने सर ये हुआ ना सर, मेरे को कुछ नहीं मालूम, ये मेरे को इधर ले आया। एक तो उसके साथ काम करते हो और ऊपर से झूठ बोलते हो। कौन हम लोग सर? सर वो एक नंबर का नालायक पाजी और एकदम हल्का आदमी है सर, मैं बता। फ्रॉड एंड चीट। मैं बोलूं सर, आप मेरे साथ अभी अभी पुलिस स्टेशन चलिए, उसके अगेंस्ट कंप्लेंट करा के अभी अभी उसको अंदर करा दे। मैं तेरा गेम कर डालूंगा। गेम? साले गेम? मेरे पीछे मेरा ही बट्टा बिछा रहे हो। नीजा साहब, मैं तो पहले से ही जानता था। सर, आपने क्या ब्यूटीफुल गेटअप किया सर? मैंने सॉलिड स्टाइल पकड़ा है उसका। अपन पे धोखा खा गया तो दुनिया का क्या होगा? अभी देख रहा है वो सफेद रामू के घर में कैसे घुसना है। वेरी सिंपल, उसका भी प्लान हम बनाएंगे। बुढ़ा ठीक 6 बजे उठता है, उठते ही दौड़ता भी है ब्लडी होल्ड में। लेडीज हॉस्टल के सामने ही दौड़ते रहता है। ब्लडी थर्की फेलो सर। ठीक 7 बजे वो पेपर पढ़ता है। ठीक 7:30 बजे वो नहाता भी है ब्लडी डर्टी में। उसके बाद गार्डन में बैठ के पूरे 9:30 मिनट पेपर पढ़ता है। ठीक 9 बजे वो गोल्फ क्लब पहुँचता है। आता कुछ नहीं है लेकिन 9:30 बजे तो गोल्फ भी खेलता है ब्लडी जोकर। उसके बाद 13 मिनट पूरे गोल्फ कोर्स पर अकेले में वो टहलता है। उसी वक्त अकेले में नींबू पानी। सर, सर, अमर अभी तक हिटलर किडनैप हो चुका होगा और अभी तो फोन भी आता होगा। अबे तू अंदर जाके ज्यादा चपड़ चपड़ मत करना, पूरा गेम बिगड़ जाएगा। चुपचाप मेरे साइड में खड़े रहना। लेकिन मैं तो तेरी मदद करूंगा यार। तू शादी करना चाहता है तो प्लीज मेरी मदद मत करना। हाय गर्ल्स। हाय। आहा, हा, कितनी खूबसूरत लग रही हैं आप दोनों। डैडी घर पे? क्या बात है, इतनी खामोशी क्यों छाई हुई है? डैडी ने आज फिर डांट दिया क्या? डैडी का कहीं कुछ पता नहीं और अब तक घर भी नहीं लौटे। कहीं किडनैप विडनैप तो नहीं हो गए? कुछ भी बोलते रहता है। आ जाएंगे, आ जाएंगे। मेरा तो मन बहुत घबरा रहा है, अभी तक फोन भी नहीं आया है। फोन तो आना ही है, फोन तो आ जाएगा। हेलो, क्या 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 अंकल किडनैप हो गए हैं, 50 लाख मांगे हैं। 50 लाख? हाँ। इधर लाओ, इधर लाओ। 50 लाख की मांगे पूछ। हेलो, कटिया तुम लोग बिल्कुल मत घबराना, तुम्हारे डैडी हमारे डैडी, हम अपनी जान पे खेलकर उनको वापस लाएंगे। हाँ, यू गए और यू आए, मेरा मतलब बहुत मुश्किल से लेके आएंगे। तू रोना नहीं है, चल। और तुम भी चल 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 चल। हाँ चल, चल। प्लानिंग कामयाब, लड़कियां भी खुश, अंकल भी खुश, शादी मुबारक। अच्छा, अरे सुन 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 सुन, क्या हुआ? अंकल कुछ किडनैप विडनैप नहीं हुए हैं, ये सब अमर और प्रेम की बदमाशी है। तुम्हें कैसे पता? मैंने उनकी सारी बातें सुन ली, ये सब अंकल को खुश करने का प्लान था। कैसे? देख, पहले वो अंकल को किडनैप करवाएंगे। हाँ? फिर अंकल को छुड़ाएंगे। हाँ? अंकल की आंखों में वो तो हीरो बन गए ना। हाँ? फिर देखो कितना परेशान कर दिया हम दोनों को, अब हम भी उन्हें सबक सिखाएंगे। राइडो। हाँ। कमाल हो गया, कमाल हो गया, कमाल हो गया, कमाल हो गया। सच सच बताइए शिवराम जी, इस धंधे में आप कब से हैं? कब से? आखिर हुआ क्या? 5 लाख मांगने के लिए कहा था, 50 लाख क्यों मांग लिया? नहीं नहीं नहीं, हुई मत हुई मत, मांग लिया तो मांग लिया, अरे देना किसको है? देखो 50 लाख रुपए हमने नहीं उसने मांगे। उसने कितने? उसने इसने? अरे उसी ने जिससे रामगोपाल बजाज का अपहरण किया था। क्या बात कर रहे हैं आप लोग? देखो मैं समझाता हूँ, प्लान के मुताबिक सब कुछ ठीक चल रहा था। हमने शिकार पर जाल भी डाल दिया था। क्या अचानक धनादन हमारे सर पर जोर से वार हुआ, जमीन फटने लगी, आसमान टूट पड़ा और हमारी आंखों के आगे। अरे बंद करो ये रेडियो प्रोग्राम। यार प्रेम, मामला तो सीरियस हो गया, लगता है इसमें किसी बड़ी गैंग का हाथ है। गैंग? हाय बॉयज, बड़े स्मार्ट लग रहे हैं आप लोग आज। अंकल घर पे आ गए क्या?
आ जाएंगे। हाँ। देखो अंकल को किसी बड़ी गैंग ने किडनैप कर लिया है। हाँ भाई जानते हैं। 50 लाख मांगा है, दे देंगे। अरे ठीक ही तो है ना यार, अब इन लोग का अंकल है, इन लोग को कोई टेंशन नहीं तो अपने को क्या का टेंशन। बैठ, खाना टेबल पे लगा है, एप्पल अच्छे खा। देखो तुम लोग समझ नहीं रहे हो, गैंग इतनी बड़ी है और रकम इतनी छोटी मांगी है, सिर्फ 50 लाख। शर्म आनी चाहिए। 50 लाख वो तो फिर भी बहुत ज्यादा है, हम लोग तो सिर्फ 5 लाख मांगने वाले थे और ये कह रहा था कि वो भी ज्यादा है। शर्म आनी चाहिए। फोन। हेलो। पैसे का इंतजाम हो गया कि नहीं? तुम्हारे बॉस लोग यही बैठे हुए हैं, उन्हीं से बात कीजिए। मेरा बॉस कौन है? मेरा बॉस कौन है? हेलो, मैं अमर बोल रहा हूँ। अबे घोंचू, तू रवीना को फोन दे, तुमसे बात करना चाह रहा है। मुझे नहीं बात करनी। हेलो, क्या बात है बोलिए। अबे गधे, तू रवीना को फोन देना। रवीना तुमसे बात करना चाह रहा है। तुम्हारा आदमी है, तुम बात करो। मैं क्या बात करूं? देखिए ये लोग फोन पे नहीं आ रहे हैं, आपको जो बोलना है मुझसे बोलिए। अबे गधे, उल्लू, बाजी, कुत्ते, चूहे, बंदर। अबे गधे, तू तेरा बाप साले, बात सुन ली तेरी, जो बोलना है बोलने तो फोन रख रहा हूँ। सुन। देख, राम गोपाल बजाज हमारे कब्जे में है, अगर उसको जिंदा चाहते हो तो पूरे 50 लाख लेकर पुरानी टेकरी वाले गंगा मंदिर पे आ जाना, समझा? और जरा भी चलाकी करने की कोशिश की ना तो राम गोपाल का राम राम हो जाएगा, समझा तू? हाँ ठीक है। कमाल करते हो यार तुम लोग, तुम्हारे डैडी किडनैप हो गए और तुम लोग फोन पे नहीं आ रहे हो। चुप करो, बहुत हो गया। देखो मजाक की भी हद होती है, तुम जाओ मेरे डैडी को लेकर आओ। अबे देखो, तुम्हारे डैडी को हमने किडनैप नहीं किया। और जो मैंने सुना वो क्या? वो बंगले के नीचे बड़े खीकी क्या क्या हो रहे थे, बड़े प्लान्स बन रहे थे। हाँ? बोलो, हाँ। वो तुम लोग को प्रेम समझाएगा। प्रेम इधर आ और इनको समझा। हाँ अबे जल्दी आ। हाँ बिल्कुल ऐसे ही हुआ। इसका मतलब है कि किडनैप तो हमारे आदमी करने की कोशिश कर रहे थे लेकिन किडनैप इन लोगों ने किया। क्या डैडी सचमुच किडनैप? जी देखिए, इसमें गलती हमारी है और हम लोग अपनी जान पे खेलकर उनको बचाने की कोशिश करेंगे। तुम्हारे डैडी? नहीं, हमारे डैडी नहीं। हमारे डैडी गांव में। चल यार, तुम चाहो तो रो सकती हो, ये लो नैपकिन। चल चल। नमस्ते। अच्छा, तो जिंदगी भर की कमाई हीरो में बदल दी। तुझे कैसे पता चला? मुझे कैसे पता चला? मेरी जान भी चली जाएगी तो भी मैं तुझे दूंगा नहीं। अरे जान चली जाएगी तुझे पूछेगा ही कौन? देखे रामू, शाना बन के लॉकर का नंबर दे दे। ये तो खून का रिश्ता इसलिए लिया कर रहा हूं, वरना तेरा तो मैं कभी का गेम कर डालता। तेरी फिरौती के लिए 50 लाख मांगे हैं मैंने। तेरी बेटियां भी पैसे लेकर आ ही रही होंगी। 50 लाख हाथ में आते ही पुलिस वालों का मुंह बंद, राम गोपाल बन के चैन की जिंदगी जीऊंगा मैं। फिर ना लॉकर दूर, ना नंबर दूर, ना चाबी दूर और ना हीरे दूर।